हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल फंक्शन पर। फिर मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया दोस्तों। आज बात करेंगे पेपर गिलास के होलसेल रेट की, बात करेंगे कि एक पेटी कितने रुपए की आती है और ये होलसेल में कितने का बिकता है और रिटेल में कितने का बिकता है और उस पर बेचने पर कितना प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों मैं आपको तीन साइज बताऊँगा जो 90 ml, 110 ml और 150 ml के आसपास के जो गिलास आते हैं, तीन साइज उनका मैं आपको होलसेल बनाने की कोशिश करूँगा। आप देखोगे इस प्रकार की ये पेटी आती है और जो ये 90 ml का होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इस प्रकार का ये गिलास निकलते हैं और इस पेटी के अंदर 60 पैकेट निकलते हैं और एक पैकेट के अंदर 80 गिलास निकलते हैं। दोस्तों इसका जो होलसेल प्राइस है वो 1250 रुपये है और एक गिलास 21 रुपये का पड़ता है जो रिटेलर को 25 रुपये 24 रुपये में बेचा जाता है। दोस्तों अब बात करें दोस्तों जो 110 ml का आता है, उसके अंदर भी 60 पीस निकलते हैं एक पेटी के अंदर और एक पैकेट के अंदर 80 गिलास निकलते हैं। आप देखोगे ये 110 ml है और इसका जो होलसेल प्राइस है वो 1350 रुपये के आसपास आता है। ये 22.5 रुपये का एक पड़ता है, ये 26 से 27 रुपये का रिटेलर को बेचा जाता है जो चाय के कप ले जाते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों जो 130 और 150 ml इसको बोलते हैं, इसके अंदर 240 सेट निकलते हैं एक पेटी के अंदर। मैं आपको दिखा दूँ ये वाले जो 150 ml के आते हैं, 40 पीस निकलते हैं इसके अंदर और एक पीस के अंदर 80 निकलते हैं एक पैकेट के अंदर। इसका होलसेल रेट दोस्तों 1450 रुपये है और करीब करीब ये एक पैकेट 36 रुपये कुछ पैसे का पड़ता है जो कि 40 से 42 रुपये का ये एक रिटेलर इसको बेचता है आराम से चाय वाले को जो इसका यूज करते हैं कॉफ़ी वगैरह। आपके वहाँ क्या रेट है ज़रूर बताइएगा वीडियो में और आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये भी बताइएगा। चल मिलते हैं एक नई वीडियो से, धन्यवाद दोस्तों।